चलना एक साधारण क्रिया है, फिर भी इसमें गहरी शक्ति है। सेनेका और नीत्शे जैसे दार्शनिक इस सच्चाई को जानते थे। उन्हें चलने में सुकून और प्रेरणा मिली। उनका ज्ञान आज हमें मार्गदर्शन कर सकता है। आइए चलने की परिवर्तनकारी शक्ति का पता लगाएं। एम्मा, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, खुद को जकड़ा हुआ महसूस कर रही थी। कोडिंग, मीटिंग और डेडलाइन का रोज का काम उसकी सेहत पर भारी पड़ रहा था। वह अक्सर खुद को कंप्यूटर स्क्रीन पर घूरते हुए पाती थी। अपने कंधों पर दुनिया का बोझ महसूस करती थी। शहर अथक ऊर्जा से गूंज रहा था। ट्रैफिक का लगातार शोर, लोगों के जल्दी जल्दी कदम और उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन की कभी न ख़त्म होने वाली झड़ी ने उसके तनाव को और बढ़ा दिया। यह ऐसा था जैसे शहर खुद एक जीवित इकाई हो जो हमेशा उससे और अधिक की मांग कर रहा हो। वह खुद को खाली महसूस करती थी। डिजिटल दुनिया में खोई हुई, सोशल मीडिया, ईमेल और वर्चुअल मीटिंग ने उसके जीवन को इस कदर घेर लिया था कि वास्तविक मानवीय संबंध या व्यक्तिगत चिंतन के लिए बहुत कम जगह बची थी। एम्मा एक ब्रेक के लिए तरस रही थी, इस अराजकता के बीच शांति के एक पल के लिए। एक दिन उसे सेनेका के शब्द मिले, हमें बाहर घूमने जाना चाहिए। ये शब्द उसे दिल की गहराई तक छू गए। उसने महसूस किया कि उसे अपनी स्क्रीन से दूर हटने और खुद को प्राकृतिक दुनिया में विसर्जित करने की ज़रूरत है। उत्सुक होकर एम्मा ने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने आसपास के पार्कों और नेचर ट्रेल्स के बारे में रिसर्च की। एक ऐसी जगह खोजने के लिए उत्सुक थी जहां वह शहरी जंगल से बच सके। हलचल से दूर प्रकृति में चलने के विचार ने उसे उम्मीद की भावना से भर दिया। उसने पास के एक पार्क में चलना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने रास्ते पर कदम रखा, उसे राहत मिली। ऊंचे ऊंचे पेड़, चिड़ियों का चहचहाना और हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट के साथ पार्क शांति का अभयारण्य था। ताज़ी हवा, हरियाली, उसके कदमों की लय, ये परिवर्तनकारी था। उसका हर कदम तनाव की एक परत को धोता हुआ प्रतीत हो रहा था। चलने का साधारण कार्य प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर उसके शरीर को हिलाने से उसे असीम शांति मिली। एम्मा ने महसूस किया कि उसका तनाव दूर हो रहा है। उसके मन को परेशान करने वाली चिंताएं और बेचैनियां दूर होने लगी। उसने खुद को और गहरी सांस लेते हुए पाया। उसकी हृदय गति धीमी हो गई, उसका मन शांत हो गया, उसका मन हल्का महसूस हुआ, उसकी आत्मा हल्की हुई। तनाव और थकान की धुंध छंट गई, जिससे एक नई स्पष्टता का पता चला। उसने अपने आसपास के छोटे छोटे विवरणों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। फूलों के चमकीले रंग, पत्तियों के जटिल पैटर्न, पार्क में ध्वनियों की सिम्फनी। सैर करना उसका आश्रय बन गया, खुद से और अपने आसपास की दुनिया से फिर से जुड़ने का एक तरीका। ये सिर्फ व्यायाम से कहीं अधिक था, ये ध्यान का एक रूप था, आत्मनिरीक्षण और नवीनीकरण का समय था। एम्मा ने पाया कि यह सैर उसकी दिनचर्या से सिर्फ एक ब्रेक नहीं थी, बल्कि उसकी सेहत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, एम्मा की सैर एक प्रिय अनुष्ठान बन गई। वह उनके लिए तत्पर रहती थी, ये जानते हुए कि वे उसे वह संतुलन प्रदान करते हैं जिसकी उसे आवश्यकता थी। पार्क उसकी शरण स्थली बन गया, एक ऐसी जगह जहां वह सांत्वना और प्रेरणा पा सकती थी। यहां तक कि वह अपनी सैर के दौरान नए लोगों से मिलने भी लगी। प्रकृति प्रेमी, जॉगर्स और डॉग वॉकर जाने पहचाने चेहरे बन गए। इन संक्षिप्त बातचीत ने उसके जीवन में समुदाय की भावना को जोड़ा, कुछ ऐसा जो उसे डिजिटल दुनिया में याद आ रहा था। अपनी यात्रा पर विचार करते हुए एम्मा ने महसूस किया कि प्रकृति में चलने के सरल कार्य ने उसके जीवन को बदल दिया है। इसने उसे एक नया दृष्टिकोण, अपने आसपास की दुनिया के लिए गहरी प्रशंसा और उद्देश्य की एक नई भावना दी थी। सशक्त और तरोताजा होकर एम्मा एक नई मानसिकता के साथ अपने काम पर लौट आई। उसने पाया कि वह अधिक उत्पादक, अधिक रचनात्मक और अधिक लचीला थी। पार्क शहर के जीवन के तनावों के खिलाफ उसका गुप्त हथियार बन गया था। अब जैसे ही वह शहर की व्यस्त सड़कों पर चलती थी, वह अपने साथ पार्क का एक टुकड़ा लेकर चलती थी। उसने जो सबक सीखा था, जो शांति पाई थी, वह उसके साथ रही। शहरी जीवन की चुनौतियों के माध्यम से उसका मार्गदर्शन करती रही।
शहर के तनाव से लेकर पार्क के आनंद तक एम्मा की यात्रा प्रकृति की उपचार शक्ति का प्रमाण थी। उसने खोज लिया था कि कभी कभी खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता में खो देना। सैनिका प्रकृति की शक्ति में विश्वास करते थे। वह अक्सर मनुष्यों और प्राकृतिक दुनिया के बीच गहरे संबंध के बारे में लिखते थे। उनके लिए प्रकृति हमारे जीवन की सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं थी, बल्कि हमारे अस्तित्व का एक अभिन्न अंग थी। उन्होंने इसे ज्ञान और शांति के स्रोत के रूप में देखा, एक ऐसी जगह जहां व्यक्ति दैनिक जीवन की अराजकता के बीच सांत्वना और स्पष्टता पा सकता है। ये सारा ब्रह्मांड जो हमें घेरे हुए है एक है, उन्होंने लिखा। सैनिका के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने आसपास की दुनिया से अलग नहीं हैं, बल्कि इसके साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। यह अंतर संबंध कुछ ऐसा है जिसे आधुनिक समाज अक्सर अनदेखा कर देता है, क्योंकि हम प्रौद्योगिकी और शहरी जीवन में अधिक तल्लीन होते जा रहे हैं। उन्होंने इस ब्रह्मांड से जुड़ने के तरीके के रूप में चलना देखा। सैनिका के लिए चलना सिर्फ एक शारीरिक गतिविधि से कहीं अधिक था, यह एक आध्यात्मिक अभ्यास था। इसने उन्हें अपने मन को साफ करने, अपने विचारों पर चिंतन करने और खुद को और दुनिया को गहराई से समझने की अनुमति दी। नीतशे के रूप में वास्तव में सभी महान विचार चलते समय ही आते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रेडरिक नीतशे ने भी चलने में बहुत महत्व पाया। उनका मानना था कि चलने की क्रिया मन को उत्तेजित कर सकती है और गहन अंतर्दृष्टि को प्रेरित कर सकती है। नीतशे को भी चलने में सुकून मिला। वह अक्सर स्विस आल्प्स में लंबी सैर के लिए जाते थे, जहां शांत वातावरण ने उन्हें अधिक स्पष्ट और रचनात्मक रूप से सोचने में मदद की। नीतशे के लिए चलना पारंपरिक सोच की सीमाओं से बचने और नए विचारों का पता लगाने का एक तरीका था। वास्तव में सभी महान विचार चलते समय ही आते हैं, उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था। ये कथन बौद्धिक और रचनात्मक विकास की प्रक्रिया में शारीरिक गति का महत्व दर्शाता है। नीतशे की सैर केवल इत्मीनान से टहलना नहीं, बल्कि उनके दार्शनिक अभ्यास के अनिवार्य अंग थे। उनका मानना था कि चलने से मन मुक्त होता है, जिससे रचनात्मकता और अंतर्दृष्टि मिलती है। खुद को रोजमर्रा की जिंदगी की हलचल से दूर करके और प्रकृति में खुद को विसर्जित करके व्यक्ति नए दृष्टिकोणों और विचारों को उजागर कर सकता है। रचनात्मकता को बढ़ावा देने के साधन के रूप में चलने की यह प्रथा इतिहास में कई महान विचारकों ने अपनाई है। उनके शब्द हमारी तेज तर्रार दुनिया में गहराई से गूंजते हैं। आज के समाज में, जहां हम लगातार भागदौड़ में लगे रहते हैं और सूचनाओं से सराबोर हैं, सैनिका और नीतशे का ज्ञान पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। शहरी जीवन की भागम भाग और प्रकृति की शांति के बीच का अंतर संतुलन की आवश्यकता को उजागर करता है। पर लगातार सूचनाओं की बौछार हो रही है। डिजिटल युग कनेक्टिविटी का एक अभूतपूर्व स्तर लेकर आया है, लेकिन इसने इन्फॉर्मेशन ओवरलोड को भी जन्म दिया है। हमारा दिमाग अक्सर सूचनाओं, ईमेल और सोशल मीडिया अपडेट की निरंतर धारा से अत्यधिक प्रभावित होता है। सैर करना एक बहुत जरूरी राहत प्रदान करता है। अपनी स्क्रीन से एक ब्रेक लेना और प्रकृति में कदम रखना शांति और कायाकल्प की भावना प्रदान कर सकता है। यह हमें डिजिटल दुनिया से अलग होने और खुद से और प्राकृतिक वातावरण से फिर से जुड़ने की अनुमति देता है। चलने के प्राचीन ज्ञान को अपनाकर हम अपने आधुनिक जीवन में स्पष्टता, रचनात्मकता और सेहत की गहरी भावना पा सकते हैं। बेहतर बनने का रास्ता खुद बनाएं। सैर की शक्ति का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? चलना आपके संपूर्ण स्वास्थ्य और सेहत को बेहतर बनाने के सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। ये एक ऐसी गतिविधि है जिसके लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। इसे लगभग कहीं भी किया जा सकता है और ये सभी उम्र और फिटनेस स्तर के लोगों के लिए उपयुक्त है। चाहे आप अपने मूड को बेहतर बनाना चाहते हों, अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना चाहते हों, या बस कुछ ताज़ी हवा का आनंद लेना चाहते हों, चलना सही उपाय हो सकता है।
अपनी सैर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए यहाँ कुछ सरल उपाय दिए गए हैं। इसे शेड्यूल करें, सैर के लिए समय निकालें, भले ही वह 15 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। निरंतरता महत्वपूर्ण है, इसलिए चलने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का प्रयास करें। अपनी खुशी की जगह खोजें, सुंदर मार्गों का अन्वेषण करें, पार्क, पगडंडियाँ या यहाँ तक कि आपका पड़ोस भी। नए रास्तों की खोज करने से आपकी सैर अधिक मनोरंजक हो सकती है और आप प्रेरित रहेंगे। वर्तमान में रहें, अपनी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करें, आपके आसपास के नज़ारे, आवाज़ें और गंध। ये प्लाइंट कॉन्शियंस तनाव को कम करने और आपकी मानसिक स्पष्टता को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। एक ब्रेक लें, अपने डेस्क से दूर हटें और अपना दिमाग साफ करने के लिए सैर पर जाएं। ब्रेक के दौरान टहलने से उत्पादकता और रचनात्मकता बढ़ सकती है। एक उद्देश्य के साथ चलें, कामों या आने जाने के साथ चलना मिलाएं। इस तरह आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं और पूरे दिन सक्रिय रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों या परिवार के साथ घूमने पर विचार करें, यह संबंध बनाने और प्रेरित रहने का एक शानदार तरीका हो सकता है। आरामदायक जूते पहनना और हाइड्रेटेड रहना न भूलें। चलना सिर्फ एक शारीरिक गतिविधि नहीं है, ये एक स्वस्थ और खुशहाल आपकी ओर एक यात्रा है। तो अपने जूते के फीते बांधें, बाहर कदम रखिए और आज ही एक बेहतर आप की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू करें। सैर की शक्ति को अपनाएं। चलना एक तोहफा है, ये गहन लाभों के साथ एक सरल कार्य है। ये हमें प्रकृति से जोड़ता है, हमारे मन को साफ करता है और हमारी सेहत को बढ़ाता है। जैसा कि सैनिका और नीचे ने हमें सिखाया, चलना अंदर और बाहर दोनों तरह की यात्रा है। तो बाहर कदम रखें, सैर की ओर से की शक्ति की रह सक्सेस बनाए। एक स्वस्थ खुशहाल आपकी खोज करें, अपनी यात्रा साझा करें, दूसरों को एक बेहतर जीवन की ओर अपना रास्ता बनाने के लिए प्रेरित करें और अधिक सामग्री के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। आउटपुट।